शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे कहीं देखा है? अब देख, गौर से देख, इस लौंडिया को कहीं देखा है? गौर से देख। मैंने नहीं देखा साहब, मैंने नहीं देखा। तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? चल जाते, पता नहीं सली को कहां छुपा के रखा है। जब तक हम इसे ढूंढ नहीं लेते, लाला हमारा जी हराम कर देगा। चलो पीछे देखते हैं। गई थी? क्यों गई थी? किससे पूछकर गई थी? जानती हो, अगर तुम्हें कोई पहचान लेता तो तुम्हारा क्या होता? टुकड़े टुकड़े कर देते वो लोग। और मैं, तुम समझती क्या अपने आप को? तुम बोल चुके। अब कहां जा रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों? मेरे नहाने का वक्त हो चुका है, प्लीज। तुम हद से ज्यादा नहाती हो। छोड़ो मुझे करण, तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार करता हूं तुमसे? नहीं, तुम झूठे हो। प्यार करता हूं? धोखा दे जाओगे मुझे तुम? कभी नहीं दूंगा। ने तो कहा था कि तुम्हारे मेरे बीच रिश्ता ही क्या है, सिर्फ हिफाजत का। उम्र भर हिफाजत करोगे मेरी? तुम उम्र भर प्यार करोगे? थैंक यू। सोचने की बात है भाई, अगर जरा सी खांसी से तुम्हारा ये हाल है तो लगने वाली फांसी से तुम्हारा क्या होगा? अदालत की तारीख को सिर्फ 7 दिन बाकी है भाई, और तुम अब तक दुश्मनों का पता नहीं लगा पाए। इतिहास ये नहीं देखता क्या सही था क्या गलत, क्या मुश्किल था क्या आसान। याद तो यही रह जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। और फिर तुम्हें हारना तो पसंद नहीं है ना भाई? बहना, तुम ठीक कह रही हो, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। देख रही हूं इन छोटी छोटी मछलियों को कैसे तड़प रही है, वो भी ऐसे ही तड़पेगी, ऐसे ही तड़पेगी वो भी। क्यों इतना डरती हो अंजलि?
क्या करूं, औरत हूं ना, जिंदगी डर के साए में रहकर जीती हूं। कि जाने कब बेइज्जत करती जाऊं, जाने कब जमाने की उंगलियां मेरी तरफ उठा दी जाए। नहीं अंजलि, मैं तुम्हें वो दर्जा दूंगा, वो इज्जत दूंगा जिसके आगे जमाने की उंगलियां कभी उठ नहीं पाएंगे। मैं तुमसे शादी करूंगा। बांद्रा पुलिस स्टेशन। हेलो अली, मैं करण बोल रहा हूँ। करण, करण, तूने यहाँ फोन क्यों किया? तू जानता है कितना खतरा है। अरे अभी खतरा वतरा कुछ नहीं, सुन, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी किससे? अंजलि से। तू पागल तो नहीं हो गया? तू जानता अदालत में उसकी गवाही के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस फूलों की माला लेकर पहाड़ी वाले किशन जी के मंदिर पर पहुंच जा। साला, खुद मरेगा दूसरों को भी मरवाएगा। खैर, तू ठहर, मैं अभी आया। हाँ, ओके, बाय। हेलो लाला जी, अंजलि करण के साथ पहाड़ी वाले किशन जी के मंदिर जा रही है और अली को भी वहां बुलाया है। जोशी लाला, नहीं लाला, तू ऐसा नहीं कर सकता लाला। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर उन्हें कुछ हो गया। लाला, खुदा की कसम, हार के रखूंगा तुझे लाला, खुदा की कसम तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर उन्हें कुछ हो गया। लाला, तू अंधी की सुबह दे खत्म। लाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खुदा की कसम। मैं तो आ गई मंदिर। मैं तो आ गई मंदिर। एक करण, वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। अरे मेरा दोस्त लेट लतीफ अभी तक आया नहीं। नहीं आए तो ऊपर होंगे। अरे चलो ना, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, चलो ना, दौड़ लगाते हैं, चलो। हार जाओगी? अरे रहने दो, तुमसे हार जाऊंगी। 21वीं सदी की लड़की हूँ, कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ। ठीक है, 21वीं सदी की लड़की, मैं तुझे 21 कदम की लीड देता हूँ, जा। हो जाए, अब तो और भी बुरी तरह हारोगे, देख लेना। 1, 2, 3, 4 देख लेना जी। 22, 23, 24, 25 Ready? On your marks, get set, go! एक मिनट। क्या हुआ? सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूर आगे निकल जाऊं और तुम पीछे देखते हुए रह जाओ। 1, 2, 3
योर ऑनर, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी और कितनी देर इंतजार करवाया जाएगा? करण, 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 अंजलि कहाँ है? करण, कहाँ है अंजलि? अंजलि, हाँ, अंजलि मर चुकी है। हाँ, करण, अंजलि मर चुकी है। हाँ, नहीं, सुन करण, सुन, नहीं, मेरी बात सुन, नहीं अंजलि नहीं मर सकी, नहीं मर सकी, नहीं मर सकी, मैं कहता हूँ, हाँ, नहीं मर सकी। हाँ, अंजलि मर चुकी है करण, अंजलि गुजर चुकी है। नहीं, नहीं, नहीं मर सकी, करण, नहीं मर सकी। अदालत की दरखास्त पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर राणे के कत्ल के सिलसिले में पुलिस कोई भी गवाह पेश करने में नाकामयाब रही है, लिहाजा अदालत यह मुकदमा खारिज करती है। केस इज डिसमिस्ड। ओह थैंक यू, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। नमस्कार। मुझे हराने चले थे ये नादान बच्चे। चंगेज कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में इंस्पेक्टर करण चोपड़ा का तबादला कर दिया जाता है। He is transferred from the city of Bombay. ये क्या? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा सिर्फ नौकरी से दिया जाता है बरखुरदार, और ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक फर्ज भी है अपने वतन के लिए। यह इस्तीफा सिर्फ नौकरी या वर्दी से नहीं है सर, यह इस्तीफा कानून के उस ढांचे से जो इतना तंग है कि उसमें ईमान का दम घुट जाता है। जानते हो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने दोस्त से हुई नाइंसाफी को आवाज दे रहा हूँ। इस वर्दी के बिना तुम सिर्फ एक मामूली आवारा नौजवान हो, जिसकी कोई हस्ती नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई आवाज नहीं। ये वर्दी है तो तुम हो, और ये वर्दी नहीं तुम कुछ भी नहीं। ये वर्दी ही मेरा वजूद नहीं, ये कानून ही मेरी ताकत नहीं। आपको और आपके कानून को ये वर्दी मुबारक। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर नहीं साहब, सिर्फ अली। खुदाफिज। और मेरे खातिर तूने इस्तीफा दे दिया। नहीं अली, ये जो कानून है इसे हम बनाते हैं, हमें इसकी इज्जत करनी होगी। अगर तुम्हारी तरह हर आदमी ये कानून तोड़ने लगा तो कानून की क्या इज्जत रहेगी? सारा शहर जंगल बन जाएगा। ये शहर जंगल बन चुका है करण, यहाँ पुलिस को जुर्म करने वालों से हर महीने करोड़ों रुपया हफ्ता जाता है, ये सब जानते हैं। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती कि लोग अपनी हिफाजत के लिए किसी गुंडे, किसी दादा, किसी डॉन के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस के पास नहीं।
इसीलिए तेरी और मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं वापस आया हूं। रात जितनी संगीन हो, देह की जरूरत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। चंगेज लाला को उसके गुनाहों की सजा दिलानी है, उसके लिए मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे साथ है? मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूं और तेरे साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा। इस जाने अरे ए, तेरी गाड़ी रुक गई रे। देखा है? इसे देखा तूने? अंजलि को? अंजलि जिंदा है? अंजलि मर चुकी है करण। जिंदा हुआ? यार तूने किसी और को देखा होगा। महफिल लगी है यहाँ मोहब्बत करने वालों की, कोई लुटता है तो कोई लूटता ही है। दिलों के खेल में अक्सर कहीं न कहीं शीशा टूटता ही है।